अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने में किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार को इंटरव्यू, बोले फौज के गैर सियासी होने को कुछ अफराद ने हदफ़ तनकीद बनाया। झूठे बयानी और प्रोपेगेंडे के बावजूद फौज गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। फौज के गैर सियासी होने से जमहूरी इकदार को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाक अफवाज ने बजरिया अस्करी सफारतकारी आलमी तालुकात में भी तवाजुन कायम रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज अलविदा मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। शहबाज शरीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज़ में ज़ियाफ़त देंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ 6 साल मुदत पूरी करने के बाद कल रिटायर हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, गैर हतमी गैर सरकारी नतायज। तहरीक इंसाफ 38 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून 18 सीटें लेकर दूसरे और पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। ज़िला नीलम वैली और ज़िला जहलम वैली में PTI की अक्सरियत। मुजफ्फराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नून लीग ने मैदान मार लिया। फतह के बाद कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, भंगड़े भी डाले। इमरान खान ने पार्टी का अहम मशावरती इजलास आज लाहौर जमान पार्क में तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों से इस्तीफे देने से मुतल्लिक गौर होगा। इमरान खान सीनियर रहनुमाओं के बाद पार्लिमानी पार्टी से भी इस्तीफों के हवाले से मुशावरत करेंगे। सियासी जमात के सरबराह के तौर पे दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठें तो ये इलेक्शन जो है ये तो मई में हो सकते थे। राणा साहब, ये तो अगर इन्होंने KPK या पंजाब की असम्बलियां तोड़ दी तो हम इन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, हो जाएंगे इलेक्शन। इन्हें हमारे साथ ही बैठना पड़ेगा। अब ये देखें ये कब फैसला करते हैं। इमरान खान का असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान अहमकाना फैसला है। इस्तीफे आए तो सूबाई असम्बलियों में ज़मीनी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, कहा इमरान खान मई में चढ़ाई ना करते तो शायद हुकूमत इलेक्शन का फैसला कर लेती। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात की तारीख लेकर नहीं देगी, हुकूमत से बात करना पड़ेगी। उधर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 3 बजे लाहौर में होगा। परवेज इलाही पंजाब असम्बली तोड़ने के लिए इमरान खान के हुक्म का इंतजार। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सूबे की हुकूमत इमरान खान की अमानत है, वो कहें तो असम्बली तोड़ने में 1 मिनट की ताखिर नहीं करेंगे। इस्तीफे दिए तो 27 किलोमीटर की शहबाज हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। नून लीग का वो हाल होगा जो 7 पुश्तें याद रखेंगी। इदारों के खिलाफ नफरतंगेज ट्वीट, सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ कराची में 4 मुकदमात दर्ज। जैकबाबाद, सखर, मीरपुर खास और दीगर शहरों में भी मुकदमात बन गए। FIA ने आज़म सवाती को 1 रोज़ कबल गिरफ्तार किया। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे रखा है। इस्लामाबाद में एहतजाज और कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट तलब कर रखी है। लंदन में MQM की 7 महंगी जायदादों के हुसूल के लिए तनाज़ा। बानी MQM और उनके पुराने साथी लंदन हाई कोर्ट में आमने सामने। बानी मुतहिदा की रिहाइशगाह समेत 7 जायदादों की कीमत 12 मिलियन पाउंड से ज़्यादा। अमीनुल हक, नदीम नुसरत, तारिक मीर की मुतहिद होकर कानूनी जंग के लिए तैयारी। फारूक सत्तार और वसीम अख्तर वीडियो लिंक पर अदालत में बानी मुतहिदा के खिलाफ गवाही देंगे। नाराज ग्रुप का मौकफ है, प्रॉपर्टी से हासिल आमदन पर नादारों का हक है।
हुकूमती गफलत के बाइस मुल्क में गजाई बहरान सर उछाने लगा। दो हफ्ते बाद भी पोर्ट कासिम पर खड़े सोयाबीन और कनोला सीड्स के जहाजों को क्लियरेंस ना मिल सकी। पैट्रन इन चीफ APSEA शहजाद अली खान कहते हैं कि मुल्क में मुर्गी मछली दूध गोश्त का बहरान पैदा होने वाला है। वजीर फूड सिक्योरिटी बारह दरखास्त के बावजूद मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन चौधरी अशरफ ने कहा कि एक माह बाद मुर्गी मार्केट में दस्तयाब नहीं होगी। रवां साल की तीसरी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला, मस्तूम समेत बलोचिस्तान और दीगर अजला में 1,35,00,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुहिम में 1,00,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता वर्कर हिस्सा लेंगे। बरतानिया में रेलवे यूनियन का मजीद 6 माह तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। रेलवे की पहिया जाम हड़ताल से निजामे जिंदगी मुतासर। बरतानवी मीशत को बड़ा धचका। बड़े शहरों की अहम शाहराहों और मोटरवे पर ट्रैफिक जाम रही। बरतानिया के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि तनख्वाहों में इजाफे के अलावा दीगर मुतालबात तस्लीम कर सकते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। इंग्लिश टीम टेस्ट सीरीज खेलने 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंची। पीसीबी हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाक इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1 दिसंबर को शुरू होगी। पहला मैच रावलपिंडी, दूसरा मुल्तान और तीसरा कराची में खेला जाएगा। और कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। यूरोपीय ममालिक जर्मनी और स्पेन का मैच 1-1 गोल से बराबर। मेगा इवेंट में एक और अपसेट। मराकेश ने बेल्जियम को 2-0 से शिकस्त दे दी। क्रोशिया ने कनाडा और कोस्टारिका ने जापान को हराया। इवेंट में आज भी 4 मैचेस शेड्यूल। ब्राजील और स्विट्जरलैंड का मैच होगा। कैमरून और सर्बिया, जर्मनी, जनूबी कोरिया और घाना मद्दे मुकाबले होंगे। रात 12 बजे पुर्तगाल और यूरोगोए के दरमियान मुकाबला होगा। वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला का कहना है तरीके इंसाफ सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देगी तो ज़िमनी इलेक्शन करा दिए जाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान इलेक्शन कराने पर राजी नहीं होंगे। मुश्किल फैसलों के बायस आवाम हमसे नाराज हैं। आवाम की नाराजगी दूर करने के लिए 4 से 6 माह का वक्त दरकार है। इमरान खान इस करप्शन निजाम के खिलाफ हैं तो इनकलाब लेकर आएं। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते तब अपोजिशन की बात सुनते तो इलेक्शन अप्रैल में हो सकते थे। अब भी लॉन्ग मार्च से पहले मैंने और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बात करना चाहिए लेकिन ये आगे से गालियां देते हैं। इमरान खान के इस्लामाबाद से ना आने का फैसला अंगूर खट्टे हैं। 15 से 20 हजार के बजाय 15 से 20 लाख लोग जमा हो जाते तो उनका फैसला देखते हैं।